आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा एक ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। बता दें कि MMRDA के जरिए वाई जंक्शन के पास ये नए पुल की तामीर हुई थी, जो मुकम्मल होकर जैसे 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है। अब यहाँ की जनता में बड़ा रोष भी है और बड़ा उन लोगों को आश्चर्य भी है, और एक सवालिया एक प्रश्न उनके दिमाग में है कि जब ये ब्रिज बनकर जिसे आवाम की जनता की सहूलत के लिए बनाया गया था, 3 से 4 महीना हो चुका है, तो इसका उद्घाटन अभी तक क्यों नहीं किया गया। बता दें कि यहाँ पर बहुत सारी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ के मतलब बच्चे भी इस रोड को क्रॉस करते हैं वाई ब्रिज के, आपने देखा वाई ब्रिज के नीचे से। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ब्रिज जब तैयार हो गया है तो आखिर कौन सी ऐसी अड़चन आ रही है जो इसे जनता के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जब बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर आते हैं तो बहुत ट्रैफिक लग जाती है, और कभी कभी तो ट्रैफिक 3-3, 4-4 दिन लगी रहती है, जिससे यहाँ मकामी जो रहने वाले हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई बीमार एम्बुलेंस में है तो उसे निकालने में बड़ी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए इस फ्लाईओवर की तामीर की गई ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम ना हो, और लोगों को जो आसपास के रहने वाले हैं उन्हें भी ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाए। जो स्कूल्स के बच्चे हैं, कालचक्र कॉलेज यहाँ पर है, अब्दुल्ला गरीब पटेल स्कूल यहाँ पर है, यहाँ आगे आप जाएंगे तो SNM स्कूल है, ऐसी बहुत सारी स्कूल है जिसके हज़ारों बच्चे जिनका आना जाना इसी रास्ते से होता है, नीचे से ब्रिज के नीचे से। इसके साथ साथ यहाँ कालचक्र हॉस्पिटल भी है, आगे ही बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, तो उन सबकी सहूलत को देखते हुए कि उन सबको जो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाए। बहरहाल जो अफवाहें घर में वो ये हैं कि यहाँ पर इस ब्रिज को लेकर काफ़ी सियासत खेली जा रही है, इसमें सियासत और कहीं ना कहीं सियासत का बहुत बड़ा रोल इसमें कार फरमा है। अब कौन इसका उद्घाटन करेगा, जाहिर सी बात जो हमारे मकामी MLA हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, क्या वो इसका उद्घाटन करेंगे, या यहाँ के जो मकामी सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो इसका उद्घाटन करेंगे, आखिर कौन इसका उद्घाटन करेगा, कब इसका फीता कटेगा, कब ये ब्रिज ये फ्लाईओवर आवाम के फ़ायदे के लिए शुरू होगा। हम देखते हैं कि मुमरा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और बहुत से वादे किए गए, लेकिन कभी भी वक्त पर कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, टाइम पर कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, चाहे वो मुमरा का TMC हॉस्पिटल हो, चाहे स्टेडियम का मामला हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उर्दू घर है, और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम फहरिस्त में ला सकते हैं, जिनके बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे काम मुकम्मल हुए, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद जो उनका एक फ़ंड मुख्तस होता है उस पर भी फ़ंड कई गुना बातें बढ़ जाता है और आवाम पर बोझ पड़ता है। जाहिर सी बात है आवाम के टैक्स से ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुमरा के आवाम में, कौसा के आवाम में एक तरह का रोष पाया जा रहा है इस फ्लाईओवर को लेकर। हमसे पहले भी कई पत्रकार साथियों ने इस न्यूज़ को कवर किया, हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी कि चूंकि ये जनता के फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए है, तो हम मकामी MLA साहब से, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे ये अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जितनी जल्दी हो इसकी शुरुआत की जाए, इसका उद्घाटन किया जाए ताकि जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स।